स्क्रीन ओपन कर दो प्लीज प्लीज प्लीज, जितने लोग कर सकते हो कर दो, स्क्रीन ओपन कर दो। हरिओम हरिओम। क्यों, जितने लोगों को पता चल गया है, जितने लोग को पता चल गया कि इधर कुछ कर रहे हैं तो कनेक्ट करो। क्यों सुनो, क्यों बोल रहा हूँ सबको कि करो 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 करो, कुछ भी नहीं करना है। अगर पांच तत्व बैलेंस नहीं करोगे, जिस ऊर्जा को आपको बहाना है वो बहाओगे नहीं, तो क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं ना, वो मेरे से सुनो सुनो। मैं क्यों इतना गहरे से ले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़े थोड़ी बातें करेंगे। क्यों बातें करेंगे, कि मेरा कहना ये है कि कौन कौन कर सकता है। देखो अभी क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो मेरे ही केस लेंगे और मेरे माध्यम से ही आप समझो कि मैं रेकी ही सिखा रहा हूँ। पर मैं कहीं ना कहीं क्या बोल रहा हूँ कि आप जो कल मैं बताना चाह रहा था ना, वो आपकी पहले अहमियत बताना चाह रहा था, उसके बाद अभी क्या कर रहे हो, आपके पांचों तत्वों को बैलेंस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा तभी करना है, आपके घरों में ये आपको करना ही है। और दूसरा कि आप पक जाओगे, आप पक जाओगे तो म्यूजिक लगाओ, आप साउंड डीलिंग, साउंड डीलिंग तो करने चले जाता हो, पर उस पे डोल सकते हो कि आप, हाँ उस पे डोल सकते हो। खो जाओ ना, मैं तो बोलता हूँ खो जाओ खो जाओ, वो म्यूजिक में कोई नहीं है। अगर मैं सोचने जाता कि मैं आपके सामने ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं मेरे पांच तत्वों को बैलेंस रखूंगा, वरना क्या क्या होता है। देखो मेरे मेरे केस से थोड़ा स्टडी करो, मैं यही बोल रहा हूँ। मेरे पास सुनो, मैंने कोई कोई बातों को समझो कि जब सीखने जाते हो ना, तो अच्छे अच्छे लोगों से सीखने जाओ, है ना। क्यों, क्योंकि मुझे मुझे सीखना था, मुझे सीखना था तो मैंने सीखा। पर कौन कौन सीख सकता है, सबके सवाल है ना, उसका जवाब मैं ना यहाँ से शुरू करता हूँ। चलो अगर सब रेकी लेवल 1-2 ग्रैंड मास्टर, तो मैं, मेरे कनेक्शन कल टूट गए, है ना। मैं इसीलिए 2-3 बार प्यार से बोला भी सही कि मैं रेकी सिखा रहा हूँ, मैं रेकी ही सिखा रहा हूँ। पर ये हम क्या सीख रहे हैं, हम प्राण ऊर्जा सीख रहे हैं। प्राण रेकी से क्या मिलेगा, प्राण ऊर्जा। एंजल हीलिंग सीखोगे तो क्या मिलेगा, प्राण ऊर्जा, ठीक है। कुछ भी स्पिरिचुअल सीखोगे आप तो क्या मिलेगा, प्राण ऊर्जा। आप कहीं पे साधना करोगे तो क्या मिलेगा, प्राण ऊर्जा, ठीक है। कुछ भी कर लो आप, अष्टांग योग कर लो, कोई भी योगी अगर गुफा में भी बैठा है तो क्या मांग रहा है वो, प्राण ऊर्जा, प्राण ऊर्जा। तो आप कोई एक माध्यम को पकड़े हुए हो ना, वो प्राण ऊर्जा ही है, चाहे उसके लिए कोई अष्टांग योग कर रहा है कि कोई कुछ भी योग कर रहा है। और अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है मेरे पास, देखो मैं मेरे माध्यम से है ना, एक ही बार में ऐसा कुछ बताने जा रहा हूँ ना कि सब समझ लेना प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है। दुबे अंकल आपकी भी प्रॉब्लम समझ लेना, वल्लभ जी आपकी भी प्रॉब्लम समझ लेना, ठीक है। कोई बीच में एक भी मैसेज नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ सुनेगा, है ना। देखो होता क्या है कि ये तो है प्राण ऊर्जा, इसको टेक्निक से लिया जाता है तो वो तो सही बात है कि हाँ कोई भी अगर साधना करता है तो ये ऊर्जा आती है, वो जरूर, ये सही बात है। कुछ भी साधना करो, आप सबने की है, ग्रैंड मास्टर भी बने हो तो ऊर्जा तो आ गई। मेरे पास एक केस है, ग्रैंड मास्टर मैं नाम नहीं दूंगा, पर सुनो इतनी ऊर्जा है उनमें। पर कहीं ना कहीं बचपन से है ना, उन्होंने इस विद्या को पकड़ा था कहीं ना कहीं प्रतिशोध से, यानी उनका बचपन नहीं अच्छा गुजरा था, समझो। तो उन्होंने विद्या तो सीख ली, अभी वो शक्ति उनमें आ भी गई, बराबर है। पर इस शक्ति से मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि कोई मेरा दुश्मन है, समझो कि मुझे आती है ये विद्या, मुझे आती है, मैं मेरे दुश्मन को मार सकता हूँ क्या, नहीं मार सकता। मैं उसको अपनी तरफ खींच सकता हूँ, मैं उसको अपने रास्ते पे ला सकता हूँ कि हाँ भगवान जल्दी से इसको मेरे जितना माइंड स्टेट दे दे, ये मुझे गालियां दे रहा है पर मैं समझ रहा हूँ, वो नहीं समझ रहा है। हम इसका प्रतिशोध नहीं ले सकते, प्रतिशोध के लिए उठा लिया तो शक्ति तो आ गई, अभी आई कहाँ पे, आई कहाँ पे, बॉडी में आई है ना, अभी बॉडी में आई है। और आपकी कोई भी ऐसे अहम, इसीलिए मैं बोल रहा था हम कहाँ से शुरू होता है, आपका कोई भी मैं बीच में आ गया, जिन जिन लोगों ने मेरे को कंप्लेन की थी वो सब सुन लेना कि सर आती तो है फिर चली जाती है, वाइट प्रकाश आता है चला जाता है, थर्ड आई पे कुछ दिखता है चला, आपका कोई भी प्रतिशोध नहीं ले सकते हो। मैं वो माइंड स्टेट से बोल रहा हूँ, मेरा बच्चा 100% हो रहा है, तो मैं यही बता रहा हूँ कि जो करना है 100% है ना। 3-3 गोलियां साइकेट्रिस्ट, खत्म हो गई बॉडी, क्यों, क्योंकि शक्ति तो भर ली, अभी प्रतिशोध, इतने प्रति इतनी नफा
कुछ कर नहीं पाए, भोले है, भोले है, एकदम भोले है, कुछ कर नहीं पाए तो प्रतिशोध भर लिया, जैसे दुबे अंकल जैसे। मैंने बोला कुछ मत करो, क्यों? क्योंकि भर तो लिया है, अभी मिल जाएगा ना तो प्रतिशोध ले लेगा। वो मेरी भाषा समझना और मेरी भावना समझना है, क्योंकि मैं गुजराती हूँ, शायद कभी वो उसके कोई भी काम के लिए दे नहीं सकता है, तो अभी बॉडी में तो आ गई है, वही शक्ति ने उनको गोलियां खाते कर दिया है रात को। मैंने और जितना गहरे में पड़ा है ना, जितना गहरे में पड़ा है ना, उतना टाइम लगेगा। मैंने केस सॉल्व कर दिया है, पर वो 4-6 महीना और लग जाएगा, और ग्रैंड मास्टर है, ग्रैंड मास्टर। तो मैं ये मेरी महानता बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कि हम हमारी कोई प्रतिशोध के लिए, कोई ऐसा समझ रहा है ना कि मैं ये सीख के किसी को दिखा दूं या कुछ करने के लिए मैं सीख लूं, ये मामला ये नहीं है। ये प्राण ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा, प्राण ऊर्जा। कुछ भी कर लो, कहीं भी साधना कर लो, कोई भी। तो मैं कोई, मेरे पास कोई प्राणी किलर है तो मैं उसको क्या ऐसा बोलता हूँ कि आप प्राणी किलिंग छोड़ दो और अभी रेकी करना शुरू कर दो? नहीं, कहीं पे वो जहाँ पे अटके हैं ना, वहां से उनको आगे निकल ले आता। मेरे पास कोई ऐसा है साधक जो अष्टांग योग कर रहा है और फंसा है, तो क्या कर रहा है वो, कि मैं उनको ऐसा बोल दूँ कि अभी अष्टांग योग छोड़ दो, रेकी कर लो? नहीं, वो प्राण ऊर्जा ही ले रहा है, उसके रास्ते में उसको आगे ले जा रहा है। पर क्यों बता रहा हूँ कि आप इतने नॉर्मल हो जाओगे पहले तो, वरना ये आपसे ही पहले उछल पड़ेगी, आप संभाल नहीं पाओगे, फिर आप बोलोगे ये तो शक्ति आने के बाद गड़बड़ी शुरू हुई। ठीक है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है इतना गहराई में। मैं पहले लेवल में इतना गहराई में इसीलिए बोलना चाहता हूँ कि दुबे अंकल अभी रुक जाओ, जितनी भरी है ना वही नहीं संभल रही है, मत करो अभी मेडिटेशन। अभी हम बोलना ही नहीं सीखे, क्यों? क्योंकि उनमें से पहले हम नहीं जाएगा तो वो कोई काम में नहीं आएगा, वो प्रतिशोध, वो उनका उनका बदला ले लेंगे। उन्होंने इनर में बहुत कुछ भरा हुआ है, उससे समाज नहीं सुधरा है, उनकी बातों से समाज नहीं सुधरा है, तो वो सब अंदर भर लिया है उन्होंने, बराबर है। अभी वो कोई शक्ति से कोई कोई ऐसे ढूंढने भी मत जाओ, है ना? वो मैं नहीं बोलना है मेरे को, 1-1.5 लाख रुपया खर्ची करके ग्रैंड मास्टर हुए, और 2 साल से, अभी 4-5 महीना लग जाएगा, मैंने उनको भी प्रॉमिस दिया है, सुनो यही, इसी पे सुनो कि 4-5 महीना लग जाएगा, छूट जाएगी आपकी गोली अभी, है ना? क्योंकि शक्ति तो ऑलरेडी भर ली है, तो बीच में कुछ है, बीच में कुछ है। तो ये सब जो है ना, ये मैं कोई मजाक करने नहीं आया। आप आपके घर में थोड़ा ऐसा कुछ माहौल लाओगे ना तो कुछ आपको पता चलेगा, और आपके 5 तत्व बैलेंस होंगे। क्यों? क्योंकि जो भरोगे, बराबर है, तो कभी कभी जो आप बोल रहे हो ना, जितने लोग वो भोले हैं सब, तो कभी कभी काम में आ जाता है, फिर प्रतिशोध पे आते हैं ना, यानी बदला लेने पे आते हैं ना, तब चली जाती है। यानी इससे हम बदला नहीं ले सकते, बदलाव ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, इससे तोड़ नहीं सकते, इससे जोड़ सकते हैं, इससे कुछ तोड़ नहीं सकते, इससे जोड़ सकते हैं। हाँ, हमारा धर्म है ये, हमारा धर्म है 100%। हाँ, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो फिर वो कोई भी अगर नहीं मान रहा है, उसका पाप का गड़ा फूट गया है तो उसको वो सजा मिलने ही वाली, वो है अपना सब कुछ है, अभी इंडिगो बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कोई खाली खाली, मेरी मैंने बस, मेरा बोलने का मतलब यही था कि जो भी सुन रहा है, जिन्होंने भी कल मेरे को मैसेज किया था कि ओनली रेकी सिखाओ, ठीक है, तो सबको रेकी के रास्ते ले आओ, क्या कि आपके घर बार छोड़ दो, आपके प्रॉब्लम छोड़ दो, आ जाओ रेकी के रास्ते, भजन करते हैं रेकी के। सही कृतज्ञता, सही कृतज्ञता। आपको वो भी नहीं मालूम है कि रेकी से जो प्राण ऊर्जा मिल रही है वही अष्टांग योग से मिल रही है, वही योगी ले रहा है, चाहे वो सालों से बैठ के ले रहा है, तो उसमें ज्यादा है, आप में कम है ना? और आप में ज्यादा आ जाएगी तो प्रॉब्लम आएंगे ऐसे, क्यों? क्योंकि आपका कोई, फिर वो बदले की भावना है ना, वही शक्ति आप संभाल नहीं पाओगे, आप ही बीमार पड़ जाओगे पहले। तो कृष्ण ने इसीलिए बोला था कि अगर आपका घर ही वृंदावन है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाना है ना, और कोई माध्यम पकड़ना कि हाँ मैं ये शक्ति लेके इतना अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपके कोई बदलों के लिए ये शक्ति नहीं है कि आप ऐसा सोचोगे कि मैं ये 1 साल में 1 लाख रुपया खर्ची कर लूंगा, तो आप ऐसा नहीं है, वो सर नहीं दे रहे, सर तो दे ही रहे, इसलिए आपको आप में आ रही है, पर आप उसको अभी संभाल भी नहीं पा रहे, आप खुद डोल गए घर में, है ना? बॉडी को रिलैक्स कीजिए, क्यों? क्योंकि जो शक्ति आपको लेनी है तो फिर आप मानते नहीं हुए, तो आप सिर्फ सुनने बैठे हो, होता है क्या ऐसा? या तो लेनी है तो बॉडी को रिलैक्स कीजिए, उससे पहले ध्यान नहीं कर सकते, कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए। अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे सुन रहे हैं ना, तो डांस कीजिए, जैसे मैं आज करवाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि पैसा तो आपके पास आ जाएगा, ये मोमेंट कहाँ से लाओगे? कल का लेक्चर यही था, पर मैं इसीलिए उसके पॉइंट पॉइंट बोल रहा हूँ। 75 साल के बाद आपके पास पैसा होगा, पर ये मोमेंट नहीं होगी तो, 75 साल के बाद आपके पास पैसा होगा पर ये घुटने नहीं होंगे तो,
है ना, और ये शक्ति का इस्तेमाल ले करना नहीं आया तो ये तो जल्दी जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप भरते हो देते तो हो नहीं, भरते हो देते ही नहीं हो, क्योंकि वो निकल ही नहीं रही है, क्योंकि आपको और कहीं निकालनी। इसलिए मैं मेरा लेवल खत्म करते ही बोलता हूँ कि जो शक्ति भरते हो आपके घर में, आपके बेटे बेटी, आपके जीवन को जिन जिन लोगों ने सुधारा है उन पे बरसाओ, आप पे बरस रही है ना। तो सुनने के लिए तो सुन सकते हो, पर अनुभव तो करना पड़ेगा ना, वरना तो आप मुझे देख के खुश होके कुछ नहीं। देखो, आप जब बीमार पड़ते हो ना, तो बाहर वाला है ना आपको हिम्मत दे सकता है, पर जो दर्द आप महसूस कर रहे हो ना, वो आपके सिवा कोई नहीं करता है। बाहर से आपको, अगर मेरी वाइफ अगर बीमार है, बड़ी बीमारी है, तो उसको मैं हिम्मत दे सकता हूँ, उसको प्राण ऊर्जा दे सकता हूँ, उसको सहारा दे सकता हूँ, सहना उसको ही है। तो आपको ये शक्तियाँ इसमें काम आएगी, आपकी बॉडी में काम आएगी। पर अगर आप कुछ भी नहीं करते और सीधा आप कुछ, आपका एम नहीं है, तो फिर वो जिंदगी चल रही है ना, वो अच्छी चल रही है, बस मैं इतना बताना चाहता। अगर आप कोई एम पे हो, है ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ समाज सुधारक बन जाओ, घर सुधारक बनना है हमको पहले, घर सुधारक। समाज सुधारक तो बाद में बनते हैं समाज सुधारक, पहले घर सुधारक बनना है हमको। हमारी घर की मिस्टेक है, ज्यादा जितना मैं बोलता हूँ ना लेक्चर में ही देख लेना, कहीं 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 बहुत मिस्टेक है, और आगे आप मेरे से आते हो तो भी बताता हूँ। पर मैं अभी इतना बोला क्यों, क्योंकि अब हम एक्सरसाइज करेंगे, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं कोई प्राणी किलर है तो उसको ऐसा नहीं बोलता हूँ कि उसका रास्ता छोड़ के रेखी के रास्ते पे आ जाओ, वो भी प्राण ऊर्जा ले रहे हैं, हम भी प्राण ऊर्जा ले रहे हैं। मैं उसको आगे सिखाता हूँ कि उसमें इससे आगे ऐसे जाते हैं, है ना। तो अगर कोई ऐसा सवाल है तो आप मुझे पूछिए ना, आपके बिजनेस के पूछिए, आपको एक बिजनेस अगर आगे कैसे बढ़ाना है तो भी पूछिए, पर मेरे पर्सनल में पूछ लीजिए ना, क्योंकि ये बताने के लिए अगर मैं एक बार उतर गया हूँ, है ना, तो फिर उसमें मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, तो मैं कहीं लेके नहीं बोल रहा हूँ। और दूसरा ऐसा समझो, इससे इजी भाषा में समझा देता हूँ आपको, अगर ये भी हार्ड लगा है तो। एक पहाड़ी है छोटी, उस पर आप सीढ़ी लगा के चढ़ तो गए, एक पहाड़ी है छोटी उस पे आप सीढ़ी लगा के चढ़ तो गए, अब वो सीढ़ी नहीं है, अब वो सीढ़ी नहीं है, ऐसी हालत हो जाएगी। वरना आप कूदोगे तो भी मरोगे, इसको संभाल भी नहीं पाओगे, है ना। तो इसीलिए ऐसी छोटी छोटी भाषा है कि मैं किसी को ऐसा कोई गलत राह बताने के लिए नहीं बैठा, और मैं बड़े बड़े प्रॉब्लमों पे हूँ, जिन जिनको बड़े बड़े प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं उनकी, मेरे, आप सुन रहे हो नहीं आए ना, तो भी मैं ऐसा रिकॉर्डिंग निकल रहा हूँ कि हाँ, तो अभी थोड़े दिन बंद कर दो, आपसे नहीं संभल रहा है, पहले हमारे घर को सुधारेंगे फिर आगे बढ़ो, वरना ये तो भरी है और निकल नहीं रही है, दे नहीं रहे हो, तो कोई काम का नहीं, आपका घर ही वृंदावन, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, है ना। तो मैं जो बताता हूँ ना, अगर मेरे मेरे सामने शर्म आती है ना, तो आपको घर में भी ये करना है, वरना कैसे भरोगे, मेरे को बताओ आप, मेरे मुझे सिखाओ, वरना आप, वरना जो भी ग्रैंड मास्टर है, मास्टर है, मैंने मेरे गुरुओं से ही सीखा है, ग्रैंड मास्टरों से ही सीखा है। पर ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार चला गया और मेरे को मिल गया था, सही गुरु मिल गया, सही सब। आप भाई बहन हो, आप भाई बहन हो, है ना, आप भाई बहन हो, ये ऐसा नहीं है कि आप प्राण ऊर्जा मेरे रेकी सिखाने से दे रहे हो। आपने, आपके घर में जितना अध्यात्म किया है, आप जितने आप फंसे हुए थे, जितने आपने भगवान को भी जाके बोला है, बैठे हो, वो सब प्राण ऊर्जा ले रहे हो। यानी तो ऐसा नहीं है कि मेरे सिखाने से महीने में आप ये ऊर्जा जादू करके ला रहे हो, ये बचपन से आप ऐसे हो, इसलिए इधर बैठे हो, है ना। बचपन से आपने कुछ कुछ किया हुआ है प्राण ऊर्जा के लिए, पर कहीं ना कहीं रास्ता नहीं मिला है, सही रास्ता नहीं मिला है, ऐसा ही में ऐसी हालत है कि एक पहाड़ी पे तो चढ़ गए, अभी सीढ़ी निकल गई, अब क्या करोगे बोलो, कूदोगे या वहीं बैठे रहोगे, ऐसी हालत हो जाती है। तो मेरा कहीं ऐसा बताने का, इतनी पवित्र शक्ति है, इतनी पवित्र शक्ति है कि आप अगर आपके सही माध्यम पे निकालना शुरू कर दोगे तो निकलती ही जाएगी, हम स्केलिंग ही नहीं करते सीखने के बाद। बदलाव क्या आया, और बदलाव के लिए कुछ, जो बदलाव हमारे अंदर घुस गया है ना, उस दिमाग से जितने अंदर है ना, वहां से घुस घुस के निकाल रहा हूँ। तो जब भी रिकॉर्डिंग भी सुनो ना, तो इसमें है ना थोड़ी जिंदगी के बदलाव की बात करेंगे। कल जो मैंने बोला था वो गुरुजी का लेक्चर होगा, ठीक है, परसों मैं अटेनमेंट दूंगा, दीक्षा, दीक्षा इसको हिंदी में ही बोलते हैं, दीक्षा, उसकी एक वीडियो भी डालूंगा, बराबर है। और जिन जिन को लेनी है ना, वो मैसेज करेगा, मैं पर्सनल लिंक पे दूंगा, ठीक है, यानी मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई फिर मेरे को मैसेज कर दे,
कि आप अलग तरीके से दे रहे हो। ठीक है, तो मैं पहले ही दिखा दे रहा हूँ कि मैं क्यों दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ, किन किन को दी है। ठीक है, नहीं तो सही में अगर नहीं नहीं कर सकते तो मत। मैंने सब समझा दिया आपको, सब समझा दिया, आपकी गलतियां भी, जिनों जिनकी आ रही है जा रही है वो भी समझा दिया, कि आ रही है तब कब आ रही है और जा रही है तब कब जा रही है। जा रही है तब आपका माइंड सेट बदले के मूड में होता है, यानी अभी आएगी तो अभी कोई गया है ना। हम मनुष्य है, हम मनुष्य है, इसलिए मैं बोल रहा था पहला चैंटिंग हम होता है। इतने सुलझे हुए रहने चाहिए हमको कि एक ही माध्यम से सबको बता रहा हूँ कि दुबे अंकल ये प्रॉब्लम हो रहा है आपके घर में, आप संभलने नहीं जा रहे हो, दौड़ रहे हो, चिल्ला रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो भर भर क्यों करते हो? क्योंकि पूरे 59 के अभी उनसे ये समाज नहीं सुधरने वाला है, ये गर्म खून है, वो सुधरा हुआ ही आ रहा है ऊपर से। चुप हो जाओ, इसीलिए तो बोला चुप हो जाओ। थोड़े इशारों से समझना पड़ेगा आपको, क्यों? क्योंकि आगे तो अगर मैं पहले लेवल में इतनी बातें कर रहा हूँ तो अगर आगे आ रहे हो तो रास्ता लंबा नहीं है, पर एक एक नियम को फॉलो करना है तो एक दिन बन जाए। एक एक नियम को फॉलो करोगे एक दिन बन जाए। उसको आप माइंड स्टेट से अगर कहीं पे सॉर्ट आउट करने जाओगे कि आज गुस्सा नहीं करूंगी, आज ये नहीं करूंगी आज। और यहाँ जो एक बात मेरे को याद आई है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कल जो अंकल बोल रहे थे ना, कल जो अंकल बोल रहे थे ना जिनको मैंने तालियां बजाई, वो अंकल को बोल रहा हूँ कि है ना ये अगस्त है ना आपका बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरा वचन है आपसे, पर इस वो अगस्त को अच्छा करने के लिए आज नाचना है आपको मेरे साथ। आज उसकी खुशी मनानी है कि आ जाओ अगस्त, अभी मैं अगस्त में ही अच्छे काम करूंगा। आपका अगस्त खराब जा रहा है ना, ये मेरा वचन है आपसे, आपका अगस्त खराब जाएगा ना तो पैसा मैं भेजूंगा, आपका अगस्त खराब जाएगा तो पैसा मैं भेजूंगा, है ना। पर आज नाचोगे मेरे साथ, और ये मैं मेरे मेरे साथ नहीं नाचना है आपको। खो जाओ, जो अंदर म्यूजिक आ रहा है ना उस पर खो जाओ। क्यों? क्योंकि सीधा हम नाटक पे नहीं बैठेंगे। ठीक है, और उषा जी अगर, आर्यन उषा जी अगर आप माइक खोल दीजिए तो जिन जिन लोगों को पैर की प्रॉब्लम है ऐसा है तो मैं उन लोगों को भी समझा दे देता हूँ। आर्यन मैं परमिशन ओपन करता हूँ इनके माध्यम से, जिन जिन को पैर में या कुछ प्रॉब्लम है शरीर में बराबर, तो उनको भी मैं बता देता हूँ। आप अनम्यूट कर दीजिए उषा जी। जी सर, मैडम क्या ओम नमः प्रॉब्लम है शिवाय। आपको? सर ओम नमः शिवाय। पैर में सर जर्क आ गया है, उससे पेन रहता है उठने बैठने में। यानी बहुत टाइम से है कि अभी अभी हुआ है? नहीं, पिछले सितंबर में अचानक हो गया था, मसल्स वीक की वजह से, तो उसी में प्रॉब्लम है थोड़ी। ओके, अभी आपकी परेशानी इतनी बड़ी है कि आप खड़े भी नहीं हो पाओगे या बैलेंस नहीं कर पा नहीं रहे हो, नहीं ऐसा मैं होता स्टिक है? लेके चलती फिर मैं रुकती नहीं हूँ सर, आप कितनी भी स्टिक तकलीफ लेके हो मैं चलते हो चलती ना, फिरती चलती आप फिरती स्टिक पर लेके कहीं चलते बैठे हो पर ना, चलती फिरती। हाँ चलती फिरती। आप स्टिक लेके चलते हो ना तो आप खड़े भी मत होइए, आप कुर्सी में ही बैठना, आप पीछे सपोर्ट भी रखना। ठीक है, हाँ रखते हैं सब। ऐसा हाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि सपोर्ट नहीं लेते उनको समाधि नहीं लगती है, उनको भी नहीं, समाधि लेते तो लगती सपोर्ट लेते नहीं सपोर्ट है। लेते हैं। सपोर्ट लेना, और बॉडी को हाँ है ना, कोई आपको नहीं देख रहा है, मैं भी आपको नहीं देख रहा हूँ। अगर जिन जिन को डांस अच्छा आता है और अच्छा कर रहे हैं और स्क्रीन पे आना चाहते हैं तो आर्यन लेगा आपको स्क्रीन पे मेरे साथ, पर वरना आपको कोई नहीं देख रहा है। जो साउंड आ रहा है ना पीछे पीछे से एक साउंड भी चलेगा, है ना, हाँ और मेरी एक हाँ स्टाइल चलेगी, मैं डांस करके दिखा रहा हूँ। जो जो लोग को करना है अच्छा वो हाँ लोग डांस खड़े बस खड़े करेंगे, और जिन जिन को आपको प्रॉब्लम है तो उषा जी जैसा प्रॉब्लम है कि नहीं खड़े होना है, उन लोगों के लिए क्या करना है? उषा जी क्लॉक कैसे जी। घूमती है, क्लॉक कौन सी दिशा हाँ में घूमती है? ऐसे जिस दिशा में क्लॉक घूमती है ना उस दिशा में आपको वो संगीत के साथ बच्चे बन जाना है। अच्छा कोई दुनिया कुछ नहीं है, वो म्यूजिक है और आपका डांस चल रहा है, बॉडी छोड़ देना है उसको, अच्छा है यस सर ना, एकदम अच्छे से, पर एकदम बैलेंस तो रख, ऐसे बैलेंस तो रखना ही है, पर वो गाने पे ही जैसे बच्चे थे तब कुछ था ऐसा कि नहीं ऐसा कर सकते हैं। तो जितने हाथ भी तालियां बजा रहे हो आप बजाओ, और आपको क्या करना है, बैठे बैठे कहीं पे धुन पे खो जाओगे ना म्यूजिक पे, तो ऐसे ऐसे करना है, फिर ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करना है, फिर ऐसे ऐसे करना है, आपके पैर का मैं देखता हूँ, है ना, आपको पर्सनल पैर पर्सनल फोन पे आपको पैर का मैं देख लूंगा। मैसेज करना, आप मुझे एक मैसेज करना आर्यन को। सर यस
है ना। और जिन जिन लोगों के, सुनो मेरी बात, अभी आप म्यूट कर दो उषा जी। स्क्रीन पर लगा, जिन जिन लोगों को, सुनो मेरी बात, अगर शर्म आ रही है ना तो कैमरे बंद कर दो, पर जिनको शर्म नहीं आ रही हो ओपन स्क्रीन पे आ जाओ, क्योंकि वरना वही प्रॉब्लम हो जाएगा कि मैं स्क्रीन के सामने कर रहा हूँ। ले लेते स्क्रीन पर। हाँ, और अभी जिनको शर्म आ रही है, जिनको पैर की प्रॉब्लम है मत खड़े होना, पर जिनको शर्म आ रही है वो नहीं खड़े होंगे तो भी चलेगा, पर कितने दिन शर्म रखोगे, कितने दिन आप कितने दिन पहला ही मेरा ये वाक्य था कि लोग क्या कहेंगे वो भूल जाना 2 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि कितने दिन शर्मा के नहीं करोगे, तो शर्मा के नहीं करोगे तो ये तो एक जो जो नियम है ना वो नियम ही है, जो नियम है ना वो नियम ही है ना। और उषा जी ये मैं क्यों करवा रहा हूँ मालूम है कि आपको है ना, ताकि आगे की उम्र में कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। आगे की उम्र में मैं ये नहीं चाहता कि आपके हाथ कोई मोड़े नहीं, है ना। तो आपको ये मैं इसीलिए करवा रहा हूँ कि भले मैं 15 साल के बाद आपके पास ना हूं, पर ये हाथ ऐसे ही उठने चाहिए, है ना। तो ये रोज करने की वो है प्रैक्टिस, यानी कोई भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी है ना, तो भूलोगे नहीं आप। और कोई 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 ग्रुप में है ना नंबर ही दिख रहे हैं, उनके नाम नहीं दिख रहे हैं, तो नाम नाम डाल देना ग्रुप में, मैसेज पर्सनल मैसेज भी कर देना, या तो ग्रुप में सबके नंबर दिख रहे हैं, नाम नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, नाम डालना। और 6688 नंबर भी है, वो भाई साहब वो भी ब्रदर है, वो पीछे से हेल्प कर रहे हैं, तो मैं आपका नाम भी नहीं जान पा रहा हूँ, सिर्फ नंबर से ही पहचानता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा ग्रुप में या कहीं पे नाम या कुछ नंबर के साथ लिखते रहिए, तो मेरे 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 दिमाग में छप जाएगा, एक बार भी देखूंगा ना कि हाँ ये नंबर ये नाम, तो मैं नाम और नंबर के साथ आपको बुला लूंगा, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जाऊँ ना उषा जी, जितने बैठे हैं मेरे माध्यम से, जितने घरों में जितने उम्र वाले लोग हैं, मैं ये चाहता हूँ कि 70 साल 75 साल के बाद भी आपके घुटने और आपके हाथ ऐसे ही चले, और 70 साल के बाद भी आप ऐसे ही बच्चे रहो, ऐसे ही बच्चे रहो, कि ये हमारा बचपन है। तीन चार दिन करोगे तो मालूम पड़ेगा, है ना, 3-4 दिन करोगे तो मालूम पड़ेगा। और धीरे धीरे मैं आपकी नस का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको नचाऊंगा, आपके घुटनों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, है ना। चलो मेरे साथ जितने खड़े हो सकते हैं ना खड़े हो जाना, और संगीत के साथ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डांस करना है, मेरे को भी देखने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद कर दो, भगवान के हवाले हो जाओ थोड़ी देर, भगवान के हवाले हो जाओ थोड़ी देर। और आपको तो पहले बोलता हूँ अगस्त अंकल जी, आपको तो है ना अगस्त है ना, अगस्त में मैं इस बार फायदा करवाने वाला हूँ, तो उसकी खुशी में डांस करना है आज आपको, है ना। और भगवान के हवाले हो जाना है, मेरे हवाले भी नहीं, वो गाड़ी के हवाले हो जाओ एक बार, है ना। और अगर अगर आपके पैर में कुछ है तो खड़े मत होना, पर घड़ी घड़ी की दिशा में आपको घूम सकते हो। घड़ी की दिशा कैसी सीधी होती है, ऐसे घड़ी की दिशा में, उल्टी घड़ी नहीं, सीधी घड़ी की दिशा, है ना। चलो अभी म्यूजिक चलेगा, चलो जितने खड़े हो सकते हो खड़े हो जाओ।
भाषित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझे सा मिला नहीं, मैं तो भटका दर बदर कोई किनारा मिला नहीं। जितना पास तुझको पाया उतना खुद से दूर जाना। शिव समार है मुझ में और मैं शून्य हो रहा। शिव समार है मुझ में और मैं शून्य हो मगन में। वो ही वायु में, वो ही आयु में, वो ही जिस्म में, वो ही रूह में, वो ही छाया में, वो ही धूप में, वो ही हर एक रूप में। वो भले वो क्रोध को
Shiva
अनंतम आनंद कंदम हित पाप वृंदम एकदम से पसीना पोंछना भी नहीं, जिन जिन को पसीना निकला है ना पोंछना भी नहीं, दो मिनट पहले अपने पसीने की खुशबू ले लो, दो मिनट पहले अपने पसीने की खुशबू ले लो, है ना, फिर पोंछ देना, फिर पोंछ देना। देखो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस माइंड, आप सुन सुन करते हो तो मैंने क्या क्या करवा लिया है, मैंने आपके घुटने भी अच्छे करवा लिए, मैंने ये पर करते रहना पड़ेगा। अगर आपको देखना है कि कैसे होता है तो आपको करते रहना है बस। मैंने आपके घुटने भी सही करवाने का तरीका बता दिया, मैंने आपके हाथ भी कैसे 70 साल के बाद ऐसे रहेंगे वो भी बता दिया, मैंने ये डांस इसलिए करवाया कि आपके घुटने भी अच्छे रहे, मैंने ये डांस इसलिए करवाया कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो यानी कब्ज ना हो, कब्ज नहीं होगा तो 103 बीमारी नहीं होगी, हाँ 103 बीमारी नहीं होगी तो आप अपने घर को अच्छे से संभालोगे, ठीक है। तो मेरे ये सादे सादे नियम है ना, मेरे सादे सादे नियम आपकी जिंदगी का प्रचंड बदलाव कर देंगे, है ना। बोलो कोई बताना चाहता है, फिर हम त्राटक करेंगे। देखो त्राटक है ना, कभी सीधा नहीं करते, है ना। कोई कुछ बताना चाहता है, रिलैक्स हुए जिंदगी में पहली बार किया और मजा आया ऐसा, और डांस से ना, ये डांस करने का मामला नहीं है, ये अपनी बॉडी को छोड़ना ही पड़ेगा थोड़ा 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 करके, आप 3-4 बार 5 बार करोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि मैं तो चलते चलते भी ऐसी हो गई। तो यही अपनी वो मैं वही बताना चाह रहा था, फॉरेनर नहीं कर सकता ये, पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो इंसान नहीं, वो तो हमसे भी माइंडेड है इसलिए हम पे राज कर रहे हैं, पर अभी हम अभी माइंड का जवाब माइंड से देना पड़ेगा, समझे, माइंड का जवाब माइंड से देना पड़ेगा, है ना। उनके देश में भी जाके हम डॉक्टर बन सकते हैं, कल का लेक्चर हम कभी लेंगे आगे, पर मैं आज है ना आपको अटूनमेंट मेरी दीक्षा की पूरी पूरी डिटेल दे देता हूँ, है ना, वीडियो के माध्यम से, ताकि कोई नहीं लेनी है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, है ना। पर मैं मेरे जाने का टाइम आ गया है, कल नहीं ना परसों मैं चला जाऊंगा, उससे पहले आपको सब कुछ सिखा के जाऊंगा, जाने का टाइम यानी मैं ग्रुप शुरू ही है, ग्रुप चालू ही है, पर आप ये है ना, इसकी कोई कोई वीडियो अगर निकल जाती है ना तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्यों, क्योंकि अगर मुझे फिर से आना है ना तो आपके सामने भी मैं ऐसे नहीं आ सकता, इसके लिए व्यवस्था चाहिए सर, इसके लिए पीछे भी पैसे चाहिए, है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं आता ही रहूँ आता ही रहूँ आता ही रहूँ, पर थोड़ा YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा है तो औरों को लाइए, ताकि मैं आपके माध्यम में आता ही रहूँ आता ही रहूँ आता ही रहूँ, है ना। नहीं आया होगा तो भी मैं ये जो बता रहा हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ एक नोट बना लेना, ये वीडियो तो आपके ही है, जब तक देख के एक नोट बना लेना, पूरी एक दिन कैसे जी सकते हो, बाद में दूसरे दिन का सोचने का है ना, तो उस दिन आपको दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है, एक दिन का एक शेड्यूल है उस पे चलते रहो। हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है कि हम हजारों विषयों को पकड़, जिंदगी में अगर सही से पकड़ लोगे ना, जिंदगी में अगर सही से पकड़ लोगे ना, 5-6-7-8 विषय से ज्यादा विषय भी आपको नहीं मिलेंगे, है ना। पर हम दिमाग से कर सकते हैं, हाँ दिमाग जितना ओके होगा ना उतना हम इसको स्ट्रांगली पकड़ सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है अभी त्राटक शुरू करें, या ना कभी भी आप कुछ करो तो थोड़ा बहुत बॉडी को रिलैक्स करना है, वो कोई गुरु गुरुकुल अपने वो भगवान को
खुश करने के लिए नहीं तालियां बजा रहे थे, वो तो खुश होता ही है तालियों से, पर वो ऐसा चाहता था कि तालियां बजा के हम हमारा घर खुश रखे, हम हमारा जीवन साफ रखे, है ना। वो विष पैदा करता है, वो विष पैदा करता है। कल शायद आपको आगे जा पता चलेगा कि गैस्ट्रिक क्या है, ये कब से क्या होता है, कब से ही सब शुरू होता है ना। तो दिन में एक बार मूड में तो आते हो ना, अगर मूड में ही नहीं आते हो तो फिर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो अब ये दिनचर्या में उतारना, किसी को कुछ पूछना है तो म्यूट ओपन करो, या कुछ अनुभव मजा आया, रिलैक्स हुए, समझ में आया, इतना कुछ। चलो हाँ हेलो। हाँ बोलिए। जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, फील बेटर लग रहा है। फील बेटर लग रहा है ना आपको, तो सबसे ज्यादा बेटर फील करना है। रुको मैं आपको लेता हूँ। हाँ आपको तो सबसे ज्यादा जी बेटर फील करना ही है, क्यों? क्योंकि अगस्त आ रहा है, हाँ जी, अगस्त हाँ आ जी, रहा हाँ जी, हाँ जी, है हाँ ना। जी, और देखो शनिवार को है ना, जब तक मेरा बोलने का मतलब समझ गए थे ना, शनिवार को जब तक मैंने नहीं छोड़ा ना, तब तक शनिवार ने मेरे को नहीं छोड़ा। हाँ अब मैं मेरे मास्टर क्लास होते हैं ना, जैसे हाँ जी, हाँ जी, ठीक मास्टर क्लास शनिवार को ले रहा हूँ, इसलिए मैंने है। बोला कि ये अगस्त आपको खुशी ही मनानी है कि आज आ रहा है, आ रहा है। अब इस ठीक महीने में ही पूरे साल का कमाना है, ये आ ही रहा है, ठीक है, है। ठीक पर खाली बुद्धि से नहीं है, दिल नहीं, से दिल हंसते से। हंसते उसका स्वागत करोगे, तू आ जा, मैं तेरा वेट ही कर रहा हूँ, ये पूरे साल का, ये महीने में ही कमाना है अभी, है ना। और मैं साथ में हूँ, मैं साथ में हूँ आपके। हाँ जी, और हाँ जी, आपके आपके धन्यवाद। मैसेज ना, आपके नाम के साथ मैसेज कर देना ग्रुप में, पर्सनल ठीक में, है, या तो आर्यन आपको मैसेज, आर्यन मेरा बेटा है, सुनो, हाँ आर्यन जी, नाम हाँ से जी, जो हाँ मैसेज आ जी, रहा है ना, वो मेरा बेटा है, हाँ जी, वो भी आपके ग्रुप के लिए पूरी पूरा पूरा हाँ, लगा हुआ है पूरी इधर, लगा रहा है। है ना। यानी क्योंकि आप इतने लोगों को उसको संभालना पड़ रहा है, टेक्निकली मैं टेक्निकली सिखा सकता हूँ, बच्चे को टेक्निकल बना सकता हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई गुरु हो तो गुरु डॉक्टर बन के ऑपरेशन करेगा, है ना। तो मेरा बच्चा पीछे से संभाल रहा है, क्योंकि वो भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस माइंड से संभाल रहा है ना। हाँ, सही बात तो है। आपकी आपकी जो भी प्रॉब्लम है मेरी है, किसी को बोलना है आप म्यूट कर दो, किसी को कुछ पूछना है या कैसा लगा अभी पूछना नहीं है, अभी ये फीलिंग कैसी है इसमें। सर बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना। हाँ सर, ओके चलो अभी त्राटक के लिए मैं समझा देता हूँ, आप म्यूट कर लो, मैं आपके साथ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके आपके रुक जाओ स्क्रीन ले। आपको मैं पीछे से समझा रहा हूँ, ठीक है, यानी मेरी कोई कोई वॉल्यूम आएगी, पर आप अगर अभी पसीना पोंछना है पोंछ लीजिए, 2 मिनट आपको अगर पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, कैंडल या जो दिया लाए हो आप, कैंडल या दिया लाए हो, या तो इसके समान या तो थोड़ा ऊपर नीचे आप उसकी तरफ देख पाओ, ऐसे आपको सिर्फ कैंडल ही देख, वो कैंडल की ज्योत है ना उसी को देखना है सिर्फ। लाओ तो दीवा, कैसे करना है मैं बता देता हूँ, 15 मिनट और 25 मिनट, कितना बजा है, 9:20 या 9:15 को हम इसको पूरा कर देंगे। यानी आपको समझना है तो समझ लेना, आप अगर जब भी ये क्रिया करने बैठते हो तो आपको टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, कैसे, कि 30 मिनट है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपको 30 मिनट करना है ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20 मिनट मैं बोल रहा हूँ ऐसे करना है, और 10 मिनट आपको बंद आंखों से ही उसको जो प्रकाश आ रहा है उसको फॉलोइंग के लिए करना ही है, यानी त्राटक करके सीधे खड़े नहीं हो जाना। आप जब भी करते हो, अगर आपके पास 25 मिनट है तो 15 मिनट आप, 15 या 20 मिनट आप त्राटक यानी वो दिए की लौ को देखोगे, मैं बता रहा हूँ ऐसे, उसके बाद बंद करोगे तो इधर जब लेडीज इधर बिंदी लगाती है, और जिसको थर्ड आई बोलते हैं, आज्ञा चक्र बोलते हैं, इधर बीच में प्रकाश हो जाएगा, तो आप ये पीछे से, इसमें भी म्यूजिक बजेगी पीछे से, इसमें भी म्यूजिक बजेगी पीछे से, है ना। तो आप सुन लेना, मेरी भी आवाज नहीं आएगी सॉरी, क्योंकि म्यूजिक नहीं बजाऊंगा ना तो आप देखते देखते कहीं ख्यालों में खो जाओगे, यानी तो एक ऐसी धुन ही बजा रहा हूँ कि एक धुन पे लगे रहो, ये ऐसा कोई मामला नहीं है कि मैं सिर्फ धुन बजा रहा हूँ, मैं इसलिए बजा रहा हूँ कि आप एक ही विचार पे रहो, तो ये ऐसा हो जाएगा शायद कि एक दिया है आपके सामने, एक आप हो, एक धुन बज रही है,
और एक आप सीधी मुद्रा में बैठ जाना, हाथ को सीधे रख के बैठना, या तो ध्यान मुद्रा आती है तो ध्यान मुद्रा कर ले, इसको ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं, ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं, है ना। जो जो लोग इसमें आगे है और उनको स्व सम्मोहन हो जाता है, या तो बैलेंस अगर नहीं रख सकते ऐसे व्यक्ति सपोर्ट ले ले। और इसमें ऐसा नहीं है कि हमको ऐसे अकड़ के ही बैठना है, ये हम त्राटक कर रहे हैं। हाँ, अगर सीधे बैठ सकते हो बिना हिले डुले तो बहुत अच्छा है, पर अगर नहीं बैठ सकते तो नॉर्मल बैठ सकते हो, नॉर्मली बैठ सकते हो, है ना। मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, ठीक है, दिया करके, पर मैं कर नहीं रहा हूँ, आपको पीछे से धुनी सुनाई देगी। पर लाओ, जैसे कि मैंने टेबल रखा, भले थोड़ी हाइट नहीं होगी, पर अगर हाइट में ले आए तो हाइट में ही ले लो, पर अपना पूरा ध्यान इस पे केंद्रित कर देना, है ना। केंद्रित करना, यानी कोई बोलेगा कैसे थर्ड आई पे केंद्रित करें, तो आप जब भी आंखें बंद करके भी आप ऊपर देखने की कोशिश, यानी वहां देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा, और बंद आंखों में देख रहे हो, निर्विचार हो जाना, विचार दुनिया को जीरो कर देना, दुनिया को जीरो कर देना, बिल्कुल शांत रहना। एक व्हाइट प्रकाश या कोई भी काला व्हाइट जो भी कलर का एक प्रकाश आएगा, वो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, कोई भी कलर का हो सकता है, फील फॉलो करना उसको, वो इनर में जा रहा है क्या, अंदर दूर हो रहा है, छोटा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, तो इसके लिए आपको शांत हो जाना पड़ेगा। सांस की प्रक्रिया तो मैं जब बताना भूल जाऊं तब भी, आपकी नोट में पहले ही लिख लेना बड़े बड़े शब्दों से, सांस का अगर कोई भूल जाए ना तो भी ये पहला नियम है, इसकी लॉ को ही देखते रहना है। आर्यन पंखो बंद करें सर, मैं जला के बता रहा हूँ आपको, फिर मैं लैपटॉप आगे भी ले रहा हूँ। रुक जाना एक मिनट, इसको जला के अगर थर्ड आई पे है तो ठीक है, थोड़ा आगे पीछे है तो इस पे केंद्रित हो जाना है। 3 फुट का या 2.5 फुट का या 2 फुट का फासला रख लेना, 3 फुट 2 फुट या 2.5 फुट, समझ लो। और ये 15 मिनट का म्यूजिक बज रहा है तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, सपोज समझो कि 5 मिनट में आपकी आंख पलक गई, आपको इसको देखते देखते आंख नहीं पलकानी, इसको देखते देखते आपको आंख नहीं पलकानी है, ठीक है। सपोज आपकी आंख पलक गई 5 मिनट के बाद, पलक गई वही पोजीशन में फिर से देखना शुरू कर दो, आपको रुकना नहीं है, पलक गई फिर से देखो, पर कोशिश करो पलकाने की, अगर 15 मिनट में एक दो बार पलक जाएगी तो नो प्रॉब्लम, पर बिल्कुल ऐसे ही मत हो जाओ कि नहीं ये नहीं ये नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो उसका मतलब कि ये नहीं हो रहा है, तो आप ज्यादा प्रैक्टिस करना, पर आप आंख नहीं पलकाना, अगर आंसू आ जाए तो उसको हटाने के लिए भी हाथ नहीं रखना, अगर नाक में, अगर किसी को पहली बार कर रहा है नाक में से थोड़ा पानी भी आ जाए ना तो हटाना नहीं, इसको देखने रहना, देखते रहना। म्यूजिक बंद हो जाएगी, सीधा मेरा आवाज शुरू हो जाएगा, म्यूजिक बंद होने के टाइम पे ही आप आंखें बंद कर देना और इधर थर्ड आई पे केंद्रित हो जाना, कुछ नहीं बजेगा, पूरी दुनिया जीरो हो गई है, ऐसा ही समझना, ये एक प्रकाश आ रहा है उसको देखना ही है आपको। और हाथ है ना, या तो सीधे रखना या तो ध्यान मुद्रा में रखना, अगर सीधे नहीं बैठ सकते हो तो ऐसे बैठोगे तो भी चलेगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो टेका दे दोगे तो भी चलेगा, कोई कार में या बाहर या कोई ऐसे माहौल में ये सुन रहा है या धुन सुन रहा है तो मत सुनना, क्यों, क्योंकि मैं पहले ही बोलता हूँ कि 100% काम करना चाहिए, हमको ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव ही करना है ना, और जो भी कर रहे हैं उसमें रहना, वरना क्या है वो ध्यान चूक हो सकता है, इसलिए फिर मेरे पे दोष आ जाएगा कि गाड़ी चलाते चलाते सुन रहे थे, ठीक है। तो कभी कभी अपना माइंड ऐसा है कि घुस जाता है उसमें, फिर नहीं पता चलता कि गाड़ी के सामने कौन आ गया। देखो ये मैंने दिया जला लिया है, कैंडल है या आपका घी का दिया है, या आपके मंदिर में बैठ जाओगे तो भी चलेगा, मंदिर की हाइट ऐसी है और बैठ गए चलेगा, है ना, बिल्कुल ऐसे देखते ही रहना है, अगर पलक गई तो फिर से देखते ही रहना है, म्यूजिक बंद हो जाएगा 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाना है आपको, यानी अभी 9 में 5 कम है, 9 और 20 को हम खड़े हो जाएंगे, चलो पानी वानी पीना है पी लो 2 मिनट, फिर शुरू कर देंगे, तब तक आपका दिया जला लो, पानी पी लो, थोड़ा बहुत घूंट घूंट मारना, घटक नहीं जाना, ले ले आगे। आपकी आपकी तैयारी कर लो, तब तक ये गाना सुनते रहो,
है ना, और तैयार होके मैंने बोला है ऐसी पोजीशन में बैठे रहना स्क्रीन पर, मुझे पाचन थी तो मैंने क्या थी वगैरह करना चाहिए। बराबर, थोड़ी थोड़ी पाचन। हेड हाउस में हर हर भोले नमः।
आंखें बंद रखना, आंखें धीरे से बंद कर देना, आंखें धीरे से बंद कर दो, निर्विचार हो जाओ, कुछ नहीं है दुनिया में, देखो एक प्रकाश है आंख के बीच में, दोनों भंवरों के बीच में, निर्विचार हो जाओ, और आ रहा है तो इतने निर्विचार हो जाओ ना कि वो जाने जाने जाएगा नहीं, जितने विचारों में नहीं जाओगे उतना वो जाएगा नहीं, जा रहा है तो फिर से आएगा। 10 मिनट यही मुद्रा में बैठ जाओ, बिल्कुल शांति रहना, शांत। मेरी आवाज भी मैं नहीं बीच में डाल रहा हूं, ठीक है? शांत, बिल्कुल शांत।
जिनको अच्छा लगता है एक दो मिनट और बैठ सकते हैं, और जिनको अगर टूट गया है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 मिनट पूरा ही होना चाहिए, वो अपनी बंद आंखों से ही अपनी हथेलियों को बंद आंखों से अपनी हथेलियों से ढक लो और धीरे धीरे वही आंख को वही हथेलियों में खोल दो, वही हथेलियों में खोलना आंख को। धीरे धीरे अपनी सुविधा अनुसार आप रिलैक्स होते जाएं, अपनी आंखों को हथेलियों को ढक देना और हथेलियों में ही खोल देना, फिर धीरे से हथेली को जहां घुमाना है घुमा लेना, अपनी थर्ड आई पे भी घुमा लेना, जहां घुमाना है घुमा लेना। देखो अभी आराम से सहज सहज बातें सीखो, दो नियम मेरे से एक आप पक्का ले लोगे, पक्का प्रॉमिस करोगे कि अगर जिंदगी में बदलाव लाना है तो दो नियम है ना, मटके का पानी पियो, ग्लास उठाओ। ये पानी पीने का तरीका है। और कोई जल्दबाजी नहीं करोगे, अगर किसी को अगर एक मिनट में आंख बुझ गई है या कुछ ऐसा हुआ है कि एक मिनट भी नहीं कर पाए, दो मिनट में हम बूंद बूंद इकट्ठा कर सकते हैं, हम बूंद बूंद इकट्ठा कर सकते हैं, जितने से शुरू कर सकते हैं। ये तो मैंने सबके लिए टाइम निकाला कि चलो 25 मिनट का करते हैं, कोई ज्यादा कर सकता है तो एक बार तो ऐसा स्टेज लाना ही है कि आंख में से पानी निकल जाए, नाक में से पानी निकल जाए, फिर भी हम ऐसे ही बैठे। निकल जाने, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, अगर किसी को दिक्कत आ जाए तो फोन करना, उसमें भी शायद सर दुख सकता है थोड़ा, या तो हल्का सा टेम्परेचर हो सकता है, हल्का सा है ना, पर वो टेम्परेचर अच्छे के लिए है अगर होता है तो। नहीं हुआ है तो क्या होता है मालूम है, आप लोग ये जर्नी कब से करते आ रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको अध्यात्म का बीज अभी बोया है, आपने जितना अध्यात्म किया है उसमें भी कुछ ना कुछ बॉडी में वो शक्तियां आई है, तो नहीं दुख रहा है तो। और कोई किसी को 15 मिनट देखने के बाद भी पानी नहीं आ रहा है तो वो टाइम बढ़ाते जाए, निकलने दो एक बार। अगर नहीं एक्सपीरियंस किया है तो नाक से भी पानी आके इधर लग जाएगा ना, आपको ऐसा लगेगा चींटी काट रही थी ना तब भी ऐसा दर्द नहीं हो रहा था, पर अगर नहीं हटाना है और हट गया है तो ट्राई करना है ना, ट्राई करना है धीरे धीरे। 2 मिनट हो रहा है 2 मिनट करो, 2 मिनट आंख बंद कर लो, 5 मिनट हो रहा है 5 मिनट करो, 5 मिनट आंख बंद कर लो, पर बूंद बूंद करके वहां जाना है ना। बहुत योगी बनने को नहीं बोल रहा हूँ, योगी मत बन जाना, पर 15-20 मिनट अगर अच्छे से 20 मिनट तक अगर कर लिया ना, इसको थोड़ा उसको थोड़ा सहना नहीं है, इसको महसूस करना है। सहना तो कुछ भी नहीं है, सहना कुछ भी नहीं है, कुछ घटनाएं हैं अपने बॉडी की कि इसको थोड़ा महसूस कर लो। आगे मैं सिखाऊंगा, अभी तक अभी आंसू और ये पानी है ना उतने तक किया, वरना है ना मिक्स हो जाएगा सब, पर उसको एक बार पार कर लो, जैसे दरिया पार करते हो ना ऐसे उसको पार कर लो, पानी ऐसे ही पीना, मटके का पानी है ना, मटके को भले आप ठंडे में रखो, हमारी टेम्परेचर के हिसाब से हमको पानी पीना, इससे सलाइवा बनेगी जो और किसी से नहीं है ना। खाओ तो एकदम चबा चबा के धीरे से, खराब मूड है खाने नहीं बैठना है, खराब मूड है खाने नहीं बैठना, ठीक है। खाना और पानी इतना पवित्र है ना कि उस आपके अंदर गया फिर आपका ही है, आपके अंदर। और दूसरे जो भी लेडीज है, खाना गुस्से में बनाना नहीं कभी, खाना घर में ऐसे बनाना नहीं कि जितने मेंबर है ना उनको ऐसा लगे कि खुशबू आई और भूख लगी है। कहीं ना कहीं मैं रेकी ही सिखा रहा हूं, पर पहले एक दिन की जो खुशी है हम वो तो इकट्ठा कर ले, रेकी तो हम कर ही लेंगे, पर अगर शुरू से अगर दिनचर्या नहीं बदली तो भी नहीं काम में आएगा, क्योंकि सलाइवा होनी चाहिए, थोड़े बहुत नियम होने चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर ऐसे, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि कहीं से जादू मिल गया और खटिया में बैठ गए और अभी खटिया में बैठ के ही सब कर रहे हैं। हम कर्म भूमि पे है, समझ लो, हम कर्म भूमि पे है। मैं भी मेरा कर्मा कर रहा हूँ, मेरी भी फैमिली है,
मेरे भी बेटा है मस्त, ये दो दो बच्चे है, कुत्ती है, दोनों फीमेल है, तो मेरा भी बहुत बड़ा परिवार है। मैं ओरा स्कैन करना भी सिखाऊंगा, पर मेरे तरीके थोड़े अलग अलग है। एंड क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई, और जिसके घर में ये सब कुछ है ना, वो समझ जाए कि वो खुली आंख से ध्यान कर रहा है, जिसके घर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, भगवान ने अभी तक दिया ही नहीं है, है ना, और तो उसकी लाइफ सब तरीके से सही है, तो वो खुली आंख से ध्यान कर रहा है। और ये ध्यान से थोड़ा और बेटर हो सकता है, अपने बच्चे ध्यान से और बेटर हो सकते हैं। अपने बच्चे थोड़ा माइंड स्टेट से जाएंगे ना, तो वो ठंडी में भी जाएंगे ना, तो ऐसे ही रहेंगे। हमारी और उसकी, उनकी तासीर में फर्क है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। चलो अभी आपके एक्सपीरियंस का टाइम है, किसको एक्सपीरियंस शेयर करना है, किसको कुछ दिखा, प्रकाश नहीं दिखा है तो ऐसा नहीं है कि हिम्मत हार जानी है, नहीं दिखा है तो ऐसा नहीं है, बूंद बूंद करके इकट्ठा कर लो, है ना। कहीं ना मैं ऐसा ही चाह रहा हूँ कि दो पांच महीने, दो महीने या एक महीने में मैं रेकी लेवल 1 सिखा के जाऊँ ना, फिर भी आप मेरे को याद करते रहोगे, कोई सिखा के गया था उसके बाद घर में बदलाव शुरू हो गए, है ना। तो हमें हमारे स्वार्थ के लिए कुछ कोई शक्ति नहीं मिलेगी, ऐसे मैंने आपको पहले भी बहुत उदाहरण दे दिए, और उसको लेके हम ही फंस जाएंगे, वो सीढ़ी हट जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं इतने बुद्धिशाली लोग होने चाहिए हम, इसीलिए आप इधर बैठे हो। और क्यों बैठे हो कि आप सेंसिटिव हो, पर समझ नहीं पा रहे हो हुआ क्या है। मैं भी 12 साल तक यही करने की कोशिश कर रहा था, पर कहीं ना कहीं हम अच्छे हैं ना, तो रास्ता मिल जाता है ना। तभी मैंने मैंने ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी ने आके बोल दिया कि फूंक दिया, बराबर, अपनी आत्म जागृति है, अपनी माइंड स्टेट है ना, और इससे शक्ति मिलती है। आप कोई भी, हाँ, आप कहीं भी रेखी करते हो, जो ग्रैंड मास्टर तो तकलीफ में क्यों आ गए, कि शक्ति तो ले ली, बराबर है, पर सिर्फ थोड़े काम के लिए और थोड़े एम के लिए ली, वो बाहर नहीं निकली, तो बॉडी में ही रही, अभी बॉडी दवाई तक पहुंच गई। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कुछ नहीं है तो आपका गरीब वृंदावन है ना। कहीं ना कहीं हम ये सब क्यों सीखते हैं, अपने बच्चों के संस्कार के लिए, अपने बच्चों, एक परिवार है, हम एक परिवार है। आप क्या भूल कर रहे हो, आपको पता ही चल गया है, आपके घर में कहीं मोबाइल चालू है, कहीं टीवी चालू है, कोई और कुछ कुछ, और चुप हो जाना। दुनिया को तभी सुधार सकते हैं जब हम हमारे घर के बच्चों को समझ जाए, हमारे घर के मेंबर्स को समझ जाए। तो उसके लिए हमको सामने थ्रॉट नहीं करना है, सामने थ्रॉट करने से हमेशा बात बढ़ती है। हमें चुप रहना, और नई पीढ़ी के बच्चे हैं ना घर में, तो उनको सुनना है, और उनको सुन के उनकी प्यारी प्यारी बातें सुन के हंसना है, और कहीं उनकी माइंड स्टेट हो ना कि वो सामने से बोलें कि इसका क्या मतलब होता है, तब उसको सही से समझाना। और ऐसी कोई चीजें नहीं करनी है कि अरे बाप रे देखो तो सही, ये हो गया वो हो गया, क्यों स्टोरेज हो रहा है उसमें, है ना। और कहीं ना कहीं ये हमारी ही संस्कृति थी, है ना, पूरी दुनिया ने अपना ली, आगे निकल गई, हम वहीं के वहीं है। हमारी ही संस्कृति थी, पूरी दुनिया ने अपना ली, पूरी दुनिया आगे निकल, पर अभी देखो ये है ना, ये ऐसा है स्प्रिट, सब बोल रहे ना 10x सीखो, 10x सीखो, देखो ये 10x कैसे भारत जाता है, देखो आप अपनी आंखों से ही देखो, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें शांत रहना है। थोड़ी सिस्टम, इतना बड़ा देश है, अब सब पैदा हो रहे हैं, सब नए आ जाएंगे, कोई कहीं से नहीं मिलेगा, नो करप्शन, पर उसके लिए टाइम तो लगेगा। हम 10 देश 12 देश के बराबर है, तो ये न्यू एनर्जी है, करप्शन अभी धीरे धीरे है ना, ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे, है ना, विकास होगा, अभी विकास, सही विकास, पर हम हमारे घर में फंसे बस। और एक्सपीरियंस बताओ, चलो फिर हम ये मीटिंग आज क्लोज करेंगे, बोलना आज के दिन के लिए तो बंद ही रखना, बोलना आज के दिन के लिए तो कम ही रखना, पॉइंट टू पॉइंट आपका एक्सपीरियंस बताना, और दूसरा कि हर रोज बोलना कम कर दो, सुनना ज्यादा कर दो, बोलना कम कर दो, ये मैं सबसे ज्यादा मेरी शक्ति यूज कर रहा हूँ आपको रेडी करने में, मेरी शक्ति आपको रेडी करने में यूज कर रहा हूँ। और जब भी ऐसी शक्तियां यूज करते हैं ना, तो पानी का सहारा लेते हैं और ऐसे लेते हैं, इसको मैं घटक गया यानी उसका कोई मतलब नहीं रहा, इसको मैं घटक गया यानी इसका और मेरा कोई मैचिंग नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ ना कि हमें अंदर से होना चाहिए, ऐसे ही कर्मा के मैचिंग के होने चाहिए, तो इसको मैं घटक गया तो मैं कोई कर, ये इसका कोई फायदा मेरे अंदर नहीं उतरा, ये मेरे लिए कुर्बान हो गया, अभी ये कुर्बान ही लेगा अंदर,
अभी मेरी कुर्बानी लेगा अंदर। तो इतनी छोटी बातों में हम फंस गए। हम है ना, हाँ हम है इतने भोले हैं कि हम कुछ ढूंढने निकल गए थे कि सुकून ढूंढ लेते, पर सुकून तभी आएगा जब आपका घर पहले सुकून में हो जाएगा, है ना। और इसका कोई रास्ता नहीं। आप कितने भी थ्रॉटिंग में, अभी कितने भी लोग मेरे को बोल रहे हैं सर झगड़ा चल रहा है घर में, इतना चल रहा है उतना चल रहा है, थ्रॉटिंग से कुछ नहीं होने वाला है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। एक अगर एक समझ जाएगा ना तो दूसरे के थ्रॉटिंग आने दो, आने दो, कितने दिन तक आते हैं देखते हैं, मैं भी साथ में देखूंगा कितने थ्रॉटिंग आ रहा है सामने से। बंद हो जाएगा 10 दिन में थ्रॉटिंग। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई थ्रॉटिंग कर रहा है सामने जवाब देते हैं ना, तभी हमारा कुछ आगे होता है। जैसे मेरा एक झगड़ा हो गया, उसने मेरे को छेड़ा, छेड़ा तो मैं गुस्सा हो गया, गुस्सा हुआ ज्यादा, झगड़ा ज्यादा उसकी, फिर कोई हम जानवर बन जाते हैं उसकी कोई सीमा। फिर जब होश में आते हैं ना तब पता चलता है, अरे बाप रे, बराबर है, तब शायद ज्यादा भी हो गया है। तो वो बुद्ध ने इसीलिए बोला है कि बेहोशी की अवस्था, बुद्ध ने इसीलिए बोला है कि बेहोशी की अवस्था। इसलिए ये कर्म हमारे माफ है, जाने अनजाने में कर दिए हुए कर्म हमारे माफ है, समझे। यानी हम कभी भी गिल्टी फील नहीं करने का, कभी भी जो जितना जीवन चला गया भूतकाल में कभी भी जाना ही नहीं चाहिए, वो हो गया, मैं इधर से चला जाऊंगा ये लेक्चर खत्म करके, चले गए सर। आपके घटना जो हो गई, झगड़ा हो गया, खत्म हो गया, तो उसको 12 घंटे इनर में क्यों चला रहा है? तो आपके टॉक्सिन ले रहा है, आगे अभी रेडी कर रहा है, आगे घटना होने वाली है 15 दिन 20 दिन महीने में। तो कहीं ना कहीं इतनी छोटी छोटी, और आज आपको नहीं बोलने दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप मत बोलो आज, और मैं तो ये सब सब समाधान पे ही हूँ कि मत, एक एक अगर एग्रेसिव है तो दूसरे के थ्रॉटिंग एक समझ जाओ, दोनों समझ गए हो तो समाज सुधर जाएगा, दोनों के थॉटिंग बंद हो जाएंगे तो भगवान आपके पास लोगों को भेजेगा। क्या अभी ये बंद कर दोगे ना तो ये शक्ति में भर जाओगे। और जो ये त्राटक करते हैं ना, वो क्यों करवा रहा हूँ? सबसे पहले तो आपको 100% होने के लिए, कि जैसे मैं 100% अभी आपके सॉल्यूशन पे हूँ, तो जो करो 100% करो। टीवी देखना है 1 घंटा, टीवी देखा खत्म। बिजनेस का प्लान करना है 1 घंटा, बिजनेस का प्लान किया। एक अच्छे डायरेक्टर बन जाओ यार, एक अच्छे डायरेक्टर बन जाओ, एक ही बार पिक्चर बनाता है, पूरी जिंदगी आपको जितनी बार अच्छा लगता है देखते हो, बराबर। हम क्या गलती करते हैं, एक बिजनेस सोचते ना उसके पीछे भी दो महीने तक इनर पर, ये अच्छा होगा, ये अच्छा रहेगा, एक्शन एक्शन, 1.5 घंटे में कुछ अच्छा सोचा, पहला कदम उठा। और हाँ, खाने मत जाओ कि आज शुरू किया और 10 दिन में फिर मजबूत हो जाओ, गिरोगे। एक्शन में आ जाओगे ना, एक्शन में, और शांत हो जाओगे ना, तो आपके 20-20 साल के प्रोग्राम 2-2 साल में खत्म हो सकते हैं। पर इसके लिए थोड़ा केंद्रित हो जाओ, फोकस हो जाओगे इससे, फोकस हो जाओगे इससे, है ना। चलो अभी कौन बोल रहा है, म्यूट खोलो, अपने अनुभव दो, कुछ दिखा प्रकाश, कुछ भी, शांत हुए, अच्छा लगा? हाँ किशन जी, आप अनम्यूट कर दीजिए, किशन जी आप अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट है, हाँ ओके सर, मैंने, हाँ मैं आपके भी आता हूँ, किशन जी बोलिए जी। सर आप कह रहे थे व्हाइट या ब्लैक प्रकाश दिखेगा, पर मुझे हाँ, थोड़ा पर्पल टाइप का दिख रहा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आगे और आगे। और ऐसे कैसे हो रहा था, मतलब कैसे घूमता है पूरा कुछ उस टाइप का यूनिवर्स जैसा, जैसे घूमता हुआ मेरा बॉडी हल्का फील, हाथ में ऐसे कॉन्शियसनेस नहीं थी कि हाथ में नहीं रखा हुआ है टाइम, तो एक सेकंड के लिए मैं डर गया, खैर ये क्या हुआ मुझे, उस चक्कर में नहीं, नहीं है। सुनो म्यूट कर दो, मैं आपके माध्यम से सबको बता रहा हूँ, आपके माध्यम डरना नहीं है, म्यूट करो। पलपल पलपल सहस्त्रार का चक्र का कलर है, तो हमने कैमरा में लिया। हाँ किशन जी, पलपल कलर है ना, वो अपने लास्ट चक्रा का कलर है, आप YouTube खोल के देख लेना या तो हमारे ग्रुप में भी देख लेना। इसका कलर है ब्लूइस्ट, समझे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि देखो मोर पंख, कोई कोई बोलता है सर मुझे मोर के कलर दिख रहा है, तो ये कलर और ये कलर जब ये एनर्जी लेगा और ये एनर्जी लेगा तब वो मोर पंख जैसा दिखता है अपने को, इनर में मोर पंख जैसा। और आप तो बहुत अच्छा है, पलपल कलर दिखा है, तो ये क्या करेगा वो आपके माध्यम से सबको बता रहा हूँ, वो कभी कभी कलर बदलेगा। आप जितने शांत हो जाओगे ना, आप अभी थोड़े डरे थे कि क्या हो रहा है, जितने शांत हो जाओगे ना, गोल गोल घूम रहा था ना, छोटा होके इनर में ले जाएगा, छोटा होके अंदर ले जाएगा, शांत जितने रहोगे ना जाएगा, फिर आपको ऐसा लगेगा ये दूर कहीं चला गया है, फिर वापिस आएगा। पर आप जितनी शांति रखोगे, जितनी शांति रखोगे उतने टाइम रहेगा, फिर आना बंद कर दे तो आप समझ जाना कि अभी ये टाइम खत्म हो गया, फिर खड़े हो जाना आपके काम के लिए,
उसका पीछा करके बैठे भी नहीं रहना है, 15 मिनट में आपको पता चल जाता है कि अभी नहीं आ रहा है, तो फिर दूसरे दिन या तो रात को एक बार, है ना। और ज्यादा है ज्यादा एकदम से शुरू नहीं करना, जिन जिन लोगों ने पहले स्टार्ट किया है ना, तो आज से ही 30 मिनट शुरू नहीं करना, है ना, 15 मिनट 20 मिनट ये करो, फिर बाद में आंखें बंद करो। और ये प्रकाश जो है ना आपको दिखा है वो अभी और बहुत कलर बदलेगा, उसके लिए आपको थोड़ी धैर्य चाहिए, मैंने बोला ना थोड़ी धैर्य रखना। और वो जो प्रकाश इनर इंजीनियरिंग इनर में जाएगा, यानी आपको और गहरे में ले जाएगा, बराबर चल ऐसे लगेगा कि ये छोटा हो रहा है छोटा हो रहा है छोटा हो रहा है, फिर चला गया फिर वापिस आएगा, है ना। तो फिर जब ऐसा लगे ना आपको कि नहीं ज्यादा ही मेरे को ज्यादा ही हल्कापन लग रहा है, तो ऐसे समझ लेना कि शक्ति आई है। अगर आपकी बॉडी को पहले ओके करना है तो मैं तो अभी पहले यही बोलूंगा, आपकी बॉडी के कोई भी पार्ट पे, आपका कोई बॉडी का ऐसा पार्ट है आपको नहीं पसंद है, ऐसा है कुछ नहीं है ना, तो फिर पूरी बॉडी पे आपके बच्चे आपके घर पे थोड़ा है ना ऐसे हथेली खोल के बैठ ही जाओगे ना अपने आप हो जाएगा। मैं कल अटेनमेंट जब दिखा दूंगा ना तब आपको पॉइंट दिखाऊंगा, पर ये आपको रोज करना है, रोज करना है, डेली करना है, डेली है ना। थोड़ा थोड़ा कम टाइम से शुरू करोगे तो भी चलेगा, पर ये पल प्रयास बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। आपको पहली बार में ही पल आपने पहले किया है, म्यूट खोलिए तो जरा। नहीं पहले ऐसे नॉर्मल सा मेडिटेशन किया एक बार, एक हफ्ता, किसी ने मुझे बोला था रूट चक्र के लिए आप करो, आपको रूट चक्र की एक्टिवेशन की जरूरत है, तो लम वाले मंत्र का मेडिटेशन किया था एक बार, पर ये त्राटक वाला फर्स्ट टाइम किया मैंने। ये शुरू से करवा रहा हूँ आपको, आपको सीक्वेंस से करवा रहा हूँ, ये सीक्वेंस में जाना आप, ठीक है। अभी जाते जाते और भी थोड़े 2 दिन है ना, 2-3 दिन में मैं और भी थोड़े मेडिटेशन के तरीके बताऊंगा, पर ये पहला तरीका। आपको दोनों हो गया, 15 मिनट आपने आंख खुली करके त्राटक भी कर लिया और मेडिटेशन में शांत होकर आपके प्रकाश में भी चले गए। मैं पहला काम क्या कर रहा हूँ पता है, आप मेरी सब वीडियो देख लेना, पहले तो 60,000 थॉट आ रहे हैं ना उसको ही रुकवा रहा हूँ, कि शांत होने की 15 मिनट प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप अपने आप शांत हो जाओगे, चुप रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि शांति का मतलब क्या होता है। तो शुरू से आ रहे हो आप मेरे पीछे, है ना। और कोई बोलेगा समझ में आ गया ना, किशन जी आपको समझ में आ गया ना, सिक्वेंसली जाना, सिक्वेंसली, डायरेक्ट कुछ मत करना, मैं लाइन टू लाइन आपको बता दूंगा जब जाऊंगा उससे पहले। और कोई बताएगा? हाँ सर, 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 हीरे, हाँ सर, हीरेन जी, हीरेन जी, हाँ हीरेन जी, आपको ले रहा हूँ जी। सर मुझे रेड कलर, मैंने आंखें बंद की थी एकदम से रेड कलर से गोल 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 दिखने लगा था कुछ, फिर दूर गया फिर वापस आया, रेड कलर का कुछ लग रहा था, कुछ 3-4 मिनट रहा, फिर एकदम से जपक गई, फिर एकदम से फिर रेड कलर आया, फिर आया और फिर चला गया, ऐसा दिख रहा था। पहली बार कर रहे हो तो पहले किया था? आप शाह हो? मैं भी शाह हूँ जी। हाँ मैं शाह हूँ। आप पहली बार कर रहे हो तो पहले किया था? मतलब पहले म्यूट बंद हो गया आपका, म्यूट खोल दो हाँ, समय के अनुसार करता हूँ, कभी कभी करता हूँ, हाँ। ध्यान करता हूँ ऐसे से, दिया बत्ती और वो सब करता। हाँ दिया बत्ती करते हो ना? जी जी जी। घर में भगवान की दिया बत्ती करते हो? जी हाँ जी हाँ जी। बस वो दिए के सामने ही बैठ जाओ, वही टाइम पे वो ये प्रक्रिया पता दो रोज सुबह, और शाम को करते हो तो शाम को, या तो आपको अलग टाइम नहीं निकलना है, वही मंदिर में यही क्रिया, सब वीडियो देख लेना। वो हंस रहा है ना तो आप भी हंस देना, और है ना निर्विचार हो जाना, ये लाल का और कलर बदलेगा, और बहुत कुछ बाकी है, पर धैर्य से धीरे धीरे और कलर बदलेगा, और बहुत इनर इंजीनियरिंग, रियल इनर इंजीनियरिंग है ना, रियल। मैं बोला था ना कि मैं जाने से पहले आपको सब रियल करवा के जाऊंगा, तो ये आपके लिए अच्छा है रेड कलर, है ना। आप म्यूट करो। और कोई यस बात करना चाहेगा? यस बात करना चाहेगा सर? ये जो मैं बोलूं सर, ये रेड कलर त्राटक करते टाइम रेड डॉट फिर ऐसे दिखा और फिर गायब हो गया, फिर पूरा ब्लैक, एकदम ऐसे शांति हो गया था, एकदम ऐसा ब्लैक कुछ नहीं दिख रहा था। फिर देखिए पहली बात समझ लेना, ब्लैक कलर भी अच्छा ही कलर है, क्यों? क्योंकि ब्लैक पे ही सब चढ़ता है, समझा? यानी कोई ऐसा बोलेगा ब्लैक दिख रहा है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, रेड भी है अच्छा है। धीरे 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 आगे जाएगा ना तू, तेरे को तो मैंने कल नहीं देखा था तो मैंने बोला भी था, तू इंडिगो बच्चा है, तेरे पीछे तू कुछ भी अच्छा ही ले सकता है ना, उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे, पर धीरे धीरे आ जा, है ना। मैं तेरी लाइफ को ऐसे एक
ढांचे में डाल दूंगा और तेरे को दिखा दूंगा कि ऐसे ऐसे तू काम करेगा ना तो तू कुछ भी कर सकता है, पर सब नियम तेरे को दिखा दिए, सब रिकॉर्डिंग बार बार देख लेना, बार बार। हम कुछ उदम नहीं मचा सकते, हम प्यार से हर चीज का रास्ता करेंगे और आगे भी बहुत ये ट्रैक करते रहना। बोलो और कुछ बोलना है? यस बस सर यही था, इतना था। और थैंक यू जो आप सिखाए, है ना। और नहीं नहीं पहुंच पा रहा है ना तो रिकॉर्डिंग भी देखते रहना, और इस चैनल को इतना शेयर करना ना कि मैं बार बार आ पाऊं, क्योंकि तू जानता है तू इस उम्र का बच्चा है, इसके लिए बहुत कुछ लगता है ना। तो कहीं ना कहीं बोलो और किसी को बात करनी है? हाँ जी आप उषा मैडम, मैं आपको बाद में लेता हूँ, आप म्यूट कीजिए प्लीज, बाद में लेता हूँ आपको। वो पहली बार मैंने किया है, फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ। ये वो दिया है ना, जैसे मैंने बंद किया ना तो वो लॉ होती है ना दिए की, वो देखी मुझे और फिर उसके बाद वो आई गई एग्जैक्टली लॉ ही थे सेम वही। और फिर जब मैंने आंख वो हाथ किया ना ऐसे ओपन करके, तो हाथ में भी वो मुझे ब्लू जैसी वो दिखी पूरे हाथ में ऐसे, फिर वो जल हो गई। देखो पहले ही बता दूं एक बात सबसे बड़ी, कि आप ऐसे ही नहीं है, कहां से बोल रहे हो पहले तो? आप ये शायद इंडिया से नहीं? मैं यूके में हूँ सर। हाँ यूके में हो ना, आपकी आपकी लैंग्वेज जैसे मैं अहमदाबाद का हूँ तो मेरी लहज में आ जाता है ना, आपकी लहज में हूं सर, गुजराती राज्य गुरु। यस यस, आपने पहली बार किया है ना, करते रहो। और आप यूके से हो तो आज यूके से हो ना तो टाइमिंग के लिए भी आर्यन से बात कर लेना एक बार, कुछ ऐसा रास्ता करेंगे। नहीं कोई बात नहीं सर, वो मैं एडजस्ट कर लेती हूं, है ना। तो इसको करते रहो, ये सब है ना आप आपको स्ट्रांग बनाएगा। आप तो यूके में हो है ना, आपको तो और ज्यादा पावर चाहिए है ना, यूके में हमको हमारा इंडियन माइंड चलाना है ना। तो बहुत अच्छा रहेगा, बराबर है। और बातें करते रहो, मैंने उषा जी आपको इसीलिए मैंने बोला कि आपसे एक दो बार बात हो गई है, तो नए नए लोगों से बातें करते रहेंगे ना तो हमको पता चलेगा कौन कौन कहाँ से जुड़ा है, किन किन की क्या बात है ना। उषा जी मैं आपसे बात करके ही रखूंगा, और कौन बात करेगा? आप म्यूट कर दो मैडम, हम ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें करते रहेंगे। हाँ और कोई है? हेलो सर। हाँ भास्कर जी बोलिए, भास्कर जी देखो अभी देखो आपको आपको आप इनके माध्यम से सबको दिखा बता रहा हूँ। भास्कर जी कोई सांप आ रहा है अभी घर में? नहीं सर अभी नहीं आया। कोई सांप नहीं आया ना घर में? ठीक है, अब बताओ क्या हुआ आज, आपने कुछ एक्सपीरियंस बताओ आपके। ये हमारे लेवल टू में जाने वाले सीनियर है आपके, लेवल वन कर चुके हैं फिर भी आए। हाँ बोलिए अभी। जी सर आपको बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने मेरे हमारे ग्रुप में जो मैसेज भेजा हमारे नोने के बारे में। ये तो मेरी फर्ज है, ये मैं कहीं पे कच्चा नहीं छोड़ने वाला हूँ आपको। मेरी बेटी सो गई अभी, प्रेरणा सो गई? नहीं सर है ना अभी। कहाँ है? लाओ, बहुत दिन से बात नहीं की है। ए बेटी कहाँ पे थी तू? बोल अभी, तू बोल, मैं सुनना चाहता हूँ तेरे को, क्या किया बोल एक हफ्ता। पढ़ाई की? मम्मी तो ना बोल रही थी, पढ़ती नहीं है तू, तेरा दांत नहीं आया अभी भी? आया सर थोड़ा सा। थोड़ा सा आया ना? हाँ तो ज्यादा है ना, परेशान नहीं करनी पापा को, है ना। हाँ भास्कर जी बोलिए। जी सर आज मैं गाड़ी पे जा रहा था शादी में, तो हाँ। गाड़ी में ऐसा लग रहा था कि साथ साथ मेरे कुछ और चल रहा है मेरे साथ, और टेंशन मत लो मैं हूँ, दौड़ते हुए ऐसा मैं हूँ, टेंशन मत लो। कुछ इतना सारा अच्छा हो गया है फिर वो बुरे को छोड़ दो, कोई कुछ जो भी है ना मैं हूँ, टेंशन मत लो। इसकी चर्चा हमने मैं पीछे हूँ, कुछ ऐसा आपको कोई डर लगा है ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं डर नहीं सर, ऐसा अच्छा ही लगा था, पर वो घोड़े जैसा सफेद ऐसा कुछ साथ में हमारे चल रहा है। चलने दो चलने दो, आप अपना परिवार इतने अच्छे से संभालो ना कि हम इसके सॉल्यूशन पे एक साल में है ना सब कुछ कर लेंगे, है ना। ओके सर, ओके सर। आप म्यूट करो, और किसी को बात करनी है?
ये सर एक मेरा सवाल है। हाँ बोलिए, कौन है? किशन। हाँ किशन जी बोलिए। सर आप ऐसे देख के ऑरा भी बता सकते हैं कि कौन से कलर की ऑरा है? जैसे भी आपने यश को बोला इंडिगो है, वो मेरा भाई है छोटा, वैसे हम अलग अलग रूम में। अच्छा। एक ही घर में। हाँ जी। अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया। देखो मैं बता सकता हूँ, पर जितनी जरूरत है ना उतने टाइम पे मैं बता दूंगा वो इसको इंडिगो क्यों बोला। इंडिगो के आसपास का बच्चा है, सुनो। एग्जैक्ट टाइम 2001-2002 का है, यानी जितने लोगों को ये नंबर्स दिख रहे हैं ना, जो बच्चों को भी नंबर्स दिख रहे हैं, वो एक दो या एक दो के बाद बाद 1111 या 2222 या 11120 ऐसे सब नंबर्स ज्यादा दिख रहे हैं। यस उसके थोड़े पहले का है, यानी उसको शायद 24 साल हुए है। 98 का है ना वो। हाँ तो यस थोड़े पहले का है, यानी कोई ग्रीड बदलती है ना तो ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में हो जाता है, धीरे धीरे धीरे। तो ये 2001-2002 के बहुत करीब है। तो इसको हमें ना, जैसे मैं जब इंडिगो बच्चे का क्लास लगाना चाहता हूँ तो उस दिन सबको इसमें ले लूंगा। उस दिन जितने इंडिगो बच्चे हैं ना उसको स्क्रीन पे लेके ही आप समझ जाओगे कि मैं इसको क्यों इंडिगो बोल रहा हूँ। नहीं आप मेरे को देख के मेरी ऑरा बताएंगे सर, अभी जैसे आप देख रहे हो लाइव स्क्रीन पे। देखो सुनो मेरी बात, आप करते जाओ, आपका टाइम आएगा उस दिन मैं आपकी ऑरा नहीं आपकी पूरी बुक बता दूंगा, जमा ले लूंगा बुक आपकी, बराबर करते जाओ। ओके है ना, ये भरोसे की चीज है और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बता सकता हूँ, पर ये क्लास है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वो सिर्फ ऑरा नहीं, सिर्फ ऑरा नहीं है, पूरी आपकी बुक ले लूंगा आपके पास से आपका टाइम आया तक, है ना। बोलिए उषा जी, अभी आप बोलिए। सर ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसा है सर, मुझे जब दीपक जल रहा था तो मुझे डबल बत्ती दिख रही थी, दो बत्तियां दिख रही थी एक साथ, और आंख बंद कर, और दूसरा मेरे कमरे में पंखा चल रहा है तो मैं दीपक जी से पंखा बंद कर दिया था तो 5 मिनट में पसीना आ जाता तो बहुत ही, क्यों मैं प्रयागराज से हूँ, यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन उस 30 मिनट में बिल्कुल ही पसीना नहीं आया और गर्मी भी नहीं लगी बिल्कुल भी। और जब दीपक बंद कर आंख बंद कर दी तो उसके बाद मुझे पहले तो थोड़ा सा ब्लैक दिखा था, उसके बाद आई पॉइंट के पास में मुझे वाइट छोटा सा जैसे बल्ब जलता है वो दिखाई दिया था। किसी को वाइट दिखेगा, किसी को सिल्वर दिखेगा, किसी को ब्लैक रेड, पर वो एक ही नहीं रहेगा। आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस रहेगी ना तो हमेशा कलर बदल सकता है। और ज्यादातर है ना, ज्यादातर वो जो किशन जी बोल रहे थे ना, पर्पल ब्लू ज्यादा दिखेगा, थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी ना तो ये ब्लूइस्ट दिखेगा। जैसे कैसे व्हाइट अपने मर्क्यूरी ब्लू लाइट होती है, नीली लाइट, नीली नीली मर्क्यूरी लाइट जैसा, तो वो कलर अपने को ज्यादा दिखेगा आगे जाके, है ना। तो अच्छा ये व्हाइट प्रकाश दिखा है ना, वो भी बहुत अच्छा ही है। आप करते रहो और जोर जबरदस्ती किसी को नहीं करना है, अगर 2 मिनट कर सकते हो तो धीरे धीरे ट्राई करना, है ना। थोड़ा बहुत पानी निकल जाए ना तो भी, अब हम मिलते रहेंगे फोन पे भी ग्रुप पे भी, पर आप थोड़ा शेयर करते रहना, है ना। और जिन जिन लोगों के नंबर्स है और नाम नहीं दिख रहे हैं वो कुछ नाम या कुछ डालिए ग्रुप में फोटो, तो सबको पर्सनल। और सर मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मेरा भी यूट्यूबर चलता है तो उषा रानी गुप्ता क्रिएशन के नाम से। हाँ क्या कर रहे हो आप उसी नाम से? मैं भी यूट्यूबर हूँ। हाँ यूट्यूबर हो, पर आप कर क्या रहे हो, यानी क्या सिखा रहे हो कुछ? जैसे गार्डनिंग की, मैं इलाहाबाद में गार्डनिंग के एक्सपर्ट हूँ तो गार्डनिंग की बताती हूँ और देसी दवाइयां। आप पहले मेरे पर्सनल में वो यूट्यूब की लिंक डालना, मैं देख लूंगा फिर हम ग्रुप में डालेंगे। अच्छा ठीक है सर, और मेरे लिंक के नाम से मेरा नंबर आया आपके पास, उषा गुप्ता क्रिएशन के नाम से। मैं आर्यन आर्यन को बोलता हूँ, आपका आपका कॉन्टेक्ट कर लेगा आर्यन। आर्यन को मैसेज करना है, आर्यन आर्यन नाम से उनको मैसेज कर देना है, तो उनको आप लिंक दे देना है। वो आर्यन का नंबर है अंदर आपके, आपके ग्रुप में ढूंढना, आर्यन का नंबर है। अच्छा मैंने आपका सरप्राइज तो किया हुआ है। हाँ हाँ आपका मैंने सरप्राइज किया हुआ है और एक दो जगह शेयर भी किया हुआ है और शेयर करूंगा। थैंक यू। नहीं सर थैंक यू नहीं, और भी लोग इसका लाभ उठाएंगे आपसे, आप हमारे गुरु हैं इस समय। गुरु देखो मैं माध्यम हो सकता हूँ आपके पास, माध्यम है लेकिन गुरु, पर गुरु हैं।
ऐसा नहीं है। मेरे नजर में छोटा सा जीव भी अगर कुछ सिखा देता है तो वो भी गुरु होता है। हाँ मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ कि हमको ऐसे वैक्यूम होने चाहिए कि अच्छाई की तरफ भागो, अच्छाई की तरफ भागो, बुराई को छोड़ दो। बुराई को एक बार है ना दिन में है ना हम पांच अच्छा हो जाते हैं ना, फिर भी एक बुरे को पकड़ के जी लेते, पर वो पांच अच्छाई को हम भूल जाते है ना। ये तो थोड़ी मिस्टेक है, पर पानी से शुरू करवाऊ कि धीरे धीरे पहले पानी सीख के बाद में पानी को पीने के तरीके से लेके मैं नहाने के तरीके तक बदलवा दूंगा, पर इसके लिए मेरे को थोड़े टाइम चाहिए है ना। आप म्यूट कीजिए, और किसी को बात करनी है? धन्यवाद धन्यवाद। जिन जिन को ऐसा लगा है कि कल बात करूंगा आज करूंगा, अभी भी मैं बैठा हूँ आपकी वेट करके, वरना मैं अभी ये मीटिंग खत्म करूंगा। कोई रह गया है किसी को बात करनी है तो बताइए, वरना ये करते रहिए ठीक है। मेरी अटैचमेंट की वीडियो में डाल रहा हूँ, जिन जिन को अटैचमेंट देना है वो आर्यन को पर्सनल फोन करेगा, उसकी अलग लिंक बनेगी, उनको ही मैं अटैच कर रहा हूँ। जोर जबरदस्ती किसी को अटैच नहीं करना है मेरे को है ना। मेरी थोड़ी तकनीक अलग है, आप वो वीडियो से देख लेना, वो वीडियो भी डाल रहा हूँ ठीक है। ओम नमः शिवाय, किसी को बात नहीं करनी है ना। ओम नमः शिवाय। प्रणाम सर, मुझे बात करनी है। हाँ बोलो, कौन है? एक मिनट रुक जाना। आर्यन जी। सर मैं ज्योति बोल रही हूँ राजस्थान से। एक्चुअली सर मेरी दो क्लास मिस हो गई, एक्चुअली क्योंकि सेम टाइम पे मेरी लॉ की क्लासेस होती है पढ़ाई की, तो मुझे सर इस वजह से ना वीडियोस चाहिए थे, क्योंकि आज का जो मैंने सेशन अटेंड किया है आधी क्लास खत्म हो चुकी थी, तो मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आया। सुनो, आप जो मिस कर रहे हो ना वो क्लास की वीडियो सब लग गई है, आज की वीडियो कल लगेगी, या तो रात को लेट लगती है। सर मुझे यूट्यूब का लिंक नहीं पता आपका, इसमें आएगा ग्रुप में तो मैं देख लूंगी। ग्रुप में यूट्यूब का लिंक भी आया है, आप बराबर चेक करो। ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। और फिर से डाल रहा हूँ, फिर से भी डाल रहा हूँ, और जितना है शेयर भी करना ताकि मैं आता रहूँ। शेयर भी करना तो मैं आता रहूँ है ना जी। हाँ और जी, जितना टाइम है और अटेंडमेंट के टाइम पे आप अगर हाजिर रह सकते हो तो रहना, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक्चुअली सेम टाइमिंग 8 o'clock मेरे क्लासेस हो जाते हैं, वो स्किप करके आ सकती हूँ मैं फिर। नो प्रॉब्लम, आप मत आना, पर जब भी आओ ना तब आप ऐसे ही सोच के आना कि ये कोई वीडियो नहीं चल रही है, लाइव चल रहा है, यानी आधा घंटा मिले तो आधा घंटा देखना, फिर काम करना, फिर आधा घंटा मिले तो फिर आधा घंटा देख लेना, यानी एक साथ देखना भी जरूरी नहीं है, पर आप 100% देखना है ना, कि वहीं देखते हो तो कहीं ख्यालों में यानी आपके इमेज में कहीं और चले नहीं जाना, उसी को देखते रहना कि क्या बोल रहे हैं, कुछ है जी सर। हाँ जी बोलो, और कुछ पूछना है तो ये मेडिटेशन भी आप इस वीडियो को देख के कर सकते हो, ये मेडिटेशन भी आप इस वीडियो को देख के फॉलो करके कर सकते हो जी सर। थैंक यू सर। ओके, अभी कोई नहीं है ना, चलो अभी कोई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कोई किसी को बात करनी है? ओम नमः शिवाय।